14 सितंबर 2020 को हाथरस में देश की होनहार बिटिया मनीषा वाल्मीकि के साथ गैंगरेप के विरोध में आज समता सैनिक दल के द्वारा डीसी हमीरपुर हरकेश मीणा को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की गई है। इस मौके पर प्रदेशाध्यक्ष संजीव नागवान ने इस मामले में सरकार का जो रवैया है वो बहुत ही ढिलमुल सा है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि शासन की ओर से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा अविलंब प्रदान किया जाना चाहिए, साथ ही इस प्रकरण की सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए। संजीव नागवान ने कहा कि टाइम बाउंड मैनर में 2 महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल कर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन कर दोषियों को फांसी की सजा दिलाई जाए ताकि समाज में बढ़ रहे असंतोष को रोका जा सके। इस मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने डीसी हमीरपुर को ज्ञापन सौंप कर जल्द ये सब करने की मांग की है। जिला मुख्यालय हमीरपुर में समता सैनिक दल के सभी सदस्य जो हैं वो एडीसी सर को जो है वो ज्ञापन देने आए हुए हैं। ज्ञापन जो है अभी जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 15 दिन पहले जो है यूपी के हाथरस में जो वाल्मीकि समाज से महर्षि वाल्मीकि समाज से मनीषा नाम की लड़की के साथ जो जघन्य अपराध हुआ उनके साथ बलात्कार किया गया, गर्दन उनकी फोड़ी गई उसके बाद और उसके बाद उनका मर्डर किया गया, तो बहुत ही निर्दयता से जो है उनके साथ ये जो है घटनाक्रम हुआ। इसका हिमाचल प्रदेश में समता सैनिक दल जो है और समता सैनिक दल के साथ जो है हिमाचल प्रदेश के विभिन्न दलित समाजसेवी संगठन जिनमें गुरु रविदास महासभा, महर्षि वाल्मीकि सभा, कविदास सभा, बाबा श्री चानो समिति एवं जय भीम युवा कल्याण संगठन जो है वो संयुक्त रूप से इस घटना का जो है वो कड़ी निंदा और जो है वो करता है और मांग करता है हिमाचल प्रदेश सरकार से एवं कि वो माननीय राष्ट्रपति महोदय को जो है जो लिखित रूप से इस अपराध जो ये हुआ है इस अपराधियों को जल्द से जल्द जो है फांसी दिलाएं एवं सीबीआई से इसकी जांच करवाएं और जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में दलित समाज के ऊपर जो इस तरह के अपराधों की घटनाएं निरंतर लगातार बढ़ रही हैं उन घटनाओं को जो है वो रोकने के लिए जो है वो योजनाएं बनाएं और सीबीआई से हर मामले की जांच करें और न्याय शासन प्रशासन को विशेष निर्देश दें। हम यहां उपायुक्त कार्यालय में जो है वो ज्ञापन प्रेषित करने पहुंचे हैं ताकि इस घटना को हिमाचल प्रदेश के तमाम दलित समाजसेवी संगठन जो है संयुक्त रूप से इस घटना की जो निंदा करते हैं और न्याय की मांग करते हैं, फांसी की मांग करते हैं कि जो अपराधी हैं उनको जो है वो जल्दी से जल्दी जो है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है अमल में लाई जाए, न्यायिक जो है वो जांच उन पर चले और जल्दी जल्दी उनको जो है वो फांसी हो और जितने भी दलित समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और गरीब तबके के ऊपर जो है वो ये जुल्म सितम बढ़ रहे हैं उन पर जो है वो रोक लगाई जाए और शासन प्रशासन जो है इसके ऊपर जो है वो जागरूक हो।